जरूर, ये जो मौजूदा दहशतगर्दी के वाकयात हैं, जिस तरह के नाम ने मुसलमान मुख्तलिफ, जिस तरह बॉस्टन बॉम्बिंग्स हुई हैं और अभी रिसेंटली लंदन में जो जो दो नाम ने मुसलमानों ने जो ब्रिटिश सोल्जर का जो मर्डर किया है, तो इस वाले से मैं पूछना चाहता था कि इसकी तरफ देखने का कोई और रुख भी है कि हम जब फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो वो हमारा नाम सुन के ही कि मुसलमान इस्लाम प्रमोट करने आए हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं बस ठीक है। ये ना लोग मुसलमान का नाम ऐसा अट्रैक्टिव किस्म का टाइटल बनाओ अपने ब्रोशर का कि जो तुम्हारे से वो ले लें और जब अंदर खोल के पढ़ें तो ट्रू टीचिंग ऑफ इस्लाम को पता लग जाए, मैसेज ऑफ पीस के नाम से हैं, या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के टाइटल दे सकते हो तुम। अब अमेरिका वालों ने एक ब्लड डोनेशन की ड्राइव चलाई जिसमें उन्होंने कहा था 10,000 ब्लड बैग्स लास्ट ईयर उन्होंने इकट्ठे किए, इस साल उनका टारगेट 25,000 का है, और वो सारे अमेरिका में मुस्लिम फॉर लाइफ के नाम से बड़े अच्छी तरह जाने जाते हैं और कुछ लोग इनकार भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। दूसरे, आप लोगों के ताल्लुकात होने चाहिए अच्छे, मीडिया से भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लोगों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए आपकी जमाती सतह पर, ताकि कवरेज मिले आपको। फिर आप जो अपने यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, अगर कॉलेज में तो नहीं होता, यूनिवर्सिटीज़ में अगर सेमिनार्स वगैरह कर सकते हैं तो करें, अपना जो एक्सपोजर ज़्यादा करें, लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना, उनको बताएं इस्लाम के बारे में। तो अगर ये करें आप, मसलन मुझे नहीं पता कनाडा में कितने फ्लायर तकसीम हुए हैं, छः सौ के करीब गेस्ट आए थे, उनको हमने लाइफ ऑफ मोहम्मद 600 दी थी, और जो वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस है वो हमने 7 अरेंज करवाई थी इस साल, और उसमें टोटल 800 गेस्ट आए थे। 800 तो नहीं है, वो इसकी कनाडा की बात ही तो मिलियंस में है, तो हम मैंने इसलिए जो फ्लायर थे मुस्लिम मुख्तलिफ जगहों पे, खुदा मल्लम दिया जर्मनी ने, खुदा मल्लम दिया जर्मनी ने लास्ट ईयर 3,300,000 फ्लायर तकसीम किए हैं और उनके लिए इस तरह तुम लोग भी ज़रा हिम्मत करो तो हो जाएगा।